व्हाट इज योर विजन फॉर तेलंगाना? आप कैसा डेवलपमेंट करना चाहते हैं उधर? एक तो संपूर्ण देश का जो विजन है, हम 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के चलना चाहिए। तो भारत सरकार एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, काफी मात्रा में हमने कर लिया है। मैं चाहता हूं कि राज्यों ने और केंद्र सरकार ने मिलकर के एक ही दिशा में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के चलना चाहिए, और उसमें हमारी तेलंगाना के पास अपनी एक समृद्ध विरासत है, क्षमता है। पहले के जमाने में तो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली चार शहर जाने जाते थे। बेंगलुरु, हैदराबाद अपने एक ताकत को लेकर के दुनिया में उनका नाम हुआ, लेकिन राजनीतिक स्थितियों ने स्थितियां बिगाड़ दी। मेरी दृष्टि से होलिस्टिक प्रोग्रेस के तेलंगाना में चार में पहलू देखता है। एक, हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी तेजी कर सकते हैं करनी चाहिए। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का विकास और वैल्यू एडिशन, ये दोनों चीजों पर बल देना चाहिए। और मैंने देखा है कि तेलंगाना में और आंध्र में कुछ किसान नेचुरल फार्मिंग की तरफ बल दे रहे हैं। उसको बढ़ावा देंगे तो और उनका एक ग्लोबल मार्केट मिल सकता है। तो उन दिशा में फिर एग्रो प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग, इस पर बल देना चाहिए। हम इंडस्ट्रियल पार्क की तरफ वहाँ जा रहे हैं ताकि वहाँ कॉटन के ग्रोवर हैं तो उसको भी बहुत बड़ा लाभ होगा। कुछ स्थान पर गन्ना किसान है तो हम इथेनॉल पर जा रहे हैं तो उनको बहुत बड़ा लाभ की संभावना है। दूसरा, अब जमाना है अर्बनाइजेशन, होना ही होना है जी, हम रोक नहीं सकते। तो अब रोते बैठना कि अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी मानना, मैं मानता हूं कि भारत के नेतृत्व की, हर राज्य के पॉलिटिकल लीडरशिप के नेतृत्व की कसौटी ये है कि वो अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी माने और अभी से प्लानिंग करें। और इसलिए मुझे लगता है कि तेलंगाना के 5-7 शहरों को मोस्ट मॉडर्न डेवलप करने की दिशा में जाना चाहिए। हैदराबाद को तो ग्लोबल सिटी के रूप में डेवलप करना चाहिए क्योंकि हैदराबाद का ग्लोबल वैल्यू है। हैदराबाद कोई एक राजधानी ऐसा नहीं है, भारत का एक शहर ऐसा नहीं है, उसकी अलग अहमियत है। खेलकूद में हैदराबाद कितना बड़ा कर रहा है जी, यानी इसलिए मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ वहाँ हम कर सकते हैं। चौथा है सामाजिक न्याय। मैं मानता हूँ सोशल जस्टिस के बिना हम समाज में इतना बड़ा अंतर हो कि भी कुछ लोग बहुत एफ्लुएंट हो कुछ पीछे हो तो ये नहीं चल सकता। उसके लिए जो भी आवश्यक है उनका दबाव उठाना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, अब जैसे हमने नेशनल हाईवे 6 लेन बना रहे हैं, रेलवे MMTS नेटवर्क का विस्तार हम कर रहे हैं, हैदराबाद सहित प्रमुख शहरों में वंदे भारत मेट्रो ट्रेन, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण, ये हाई स्पीड कॉरिडोर बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है। लॉजिस्टिक हब के रूप में भी वो एक प्रकार से ये कॉरिडोर काम आने वाले हैं। अब जैसे नेशनल टर्मिनल बोर्ड की बात है, नेशनल टर्मिनल बोर्ड हमें बहुत दिनों से मांग थी, हमने पूरा कर दिया। रिसर्च, इस पर हमने सरकार ने बहुत बड़ा धन दिया। हमारा देश आने वाले दिनों में एक प्रकार से फार्मेसी का हब बनेगा, और जब मैं फार्मेसी का हब बनकर कहता हूँ तो हैदराबाद में पोटेंशियल बहुत है, तेलंगाना में पोटेंशियल बहुत है। तो इन सारी चीज़ों में अगर हम विकास में बल देंगे तो बाकी तो डिजिटल है, कई चीज़ें हैं जिसको हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। एक जो मैं सामाजिक न्याय की बात करता था, अब देखिए मादिगा समाज इतने लंबे समय से उनको तड़पाया जा रहा है। मैंने खुलकर के कहा है मादिगा समाज के साथ न्याय करने के लिए मैं पूरी तरह उनके साथ खड़ा हुआ। SC समुदाय के हितों की रक्षा, वहां बंजारा समाज इतना बड़ा है, उनको छोटी छोटी चीजों के लिए लटकाया हुआ है। यानी एक प्रकार से हमें इन चीज़ों की चिंता करनी चाहिए और इनकी रक्षा के लिए मैं हमारे यहाँ भी मैंने हाई लेवल कमेटी भी बनाई है, मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ।